अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलों और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करते हैं और अवामी मसाइल के ऊपर कोशिश करते हैं प्रोग्राम में गुफ्तगू करें। बहरहाल 14 अगस्त यानी कि योम आज़ादी का मौका करीब है और शहर कराची में मौसम भी, बल्कि सारे मुल्क में इस वक्त खुदा का शुक्र है मौसम काफ़ी खुशगवार है। खुशगवार इसलिए समझा जा रहा है क्योंकि ये जो मानसून का सीज़न है इसका आगाज़ हो चुका है और बारिशों की वजह से जो कुछ होता है हमारे यहाँ, लोगों को कम मौका मिलता है मौसम को एंजॉय करने का। पाकिस्तान का कोई भी इलाका हो, बिलखसूस शहर कराची की अगर बात करें, तो बारिश के बाद जो लोगों की मुश्किलात में इजाफ़ा होता है, बड़ा छोटा लफ्ज़ है वैसे ही, मुश्किलात में इजाफ़ा, बहुत मुश्किल हो जाता है, लोग घरों में महसूर हो जाते हैं और फिर बिजली मुनक़ता और फिर पानी का मसला और ना जाने कितने मसाइल जो कि पहले से ही मामला चले आ रहे हैं, वो मसाइल जो है वो लोगों के दो चंद हो जाते हैं, मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होता है। बहरहाल तो ये सारी इस सूरत हाल रही हफ्ते के अख्तिताम तक, यही मामला जो है वो कुछ चलते रहे। बहरहाल इसमें जो अच्छी बात रही वो ये कि गर्मी का ज़ोर जो है वो कुछ कम हो गया है और यही कुछ होता रहा। और इसके साथ साथ एक बड़ी कामयाबी जो पाकिस्तान के हिस्से में आई है ओलंपिक गेम्स के हवाले से, अरशद नदीम साहब वतन वापस आए और बड़ा वालेहाना इस्तकबाल किया गया, तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशाइन बात है। और इसके अलावा भी बहुत कुछ होता रहा, सोशल मीडिया आपको पता है मौज हर वक्त खुला रहता है और उस पर भी तनकीद की जाती है, हर मामले को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जाती है। मैं चंद लोग हैं या एक मखसूस जमात है उसकी जानिब से ये सब कुछ किया जाता है। बहरहाल तो ये पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ा पुरमसरत मौका था, बहुत ज़्यादा उस पर लोग खुश भी हुए, बहुत सारे मुबारकबाद के पैगाम भी भेजे, उसका सिलसिला ताहाल जारी है। चैम्पियन अरशद नदीम साहब हैं, वो वापस तशरीफ ले आए और इसी तरह बहुत सारे सवाल होते रहे खेलों के हवाले से। आज सुबह जब मैं स्टैंडिंग देख रहा था ओलंपिक्स के, जो इख्तितामी तकरीब है वो हो गई, बिलाखिर अमेरिका जो है वो 40 सोने के तमगों के साथ सर फहरिस्त, और उसके बाद चाइना का नंबर आया, 40 मेडल चाइना के पास भी, मगर दीगर मेडल्स की तादाद क्योंकि अमेरिका की ज़्यादा है, इस वजह से उनको इस ओलंपिक्स गेम में जो है वो बरतरी रही है। तो बहरहाल इसके अलावा भी जो खिलाड़ियों की कारकर्दगी रही बहुत शानदार रही है, सारे दुनिया के जो एथलीट थे बड़े भरपूर उन्होंने अपने जो फ़न है उसका मुजाहरा किया और बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस भी रहीं और बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी बनते रहे। तो ये बड़ा एक कमाल है, ओलंपिक गेम्स जो होता है वो एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, बल्कि आप ये समझ लीजिए कि दुनिया के जितने भी खेलों के मुकाबले होते हैं उसमें सबसे बड़ा जो इवेंट होता है, ग्रैंड इवेंट जिसको कहते हैं, वो ही ओलंपिक्स होता है। और इसमें परफॉर्म करना, ज़ाहिर है जब अरशद नदीम साहब ने परफॉर्म किया, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, ना सिर्फ सोने का तमगा जीता बल्कि एक ओलंपिक रिकॉर्ड भी उन्होंने सेट किया, और यही वजह है कि पूरे दुनिया में ज़रा अबलाग में उनका बड़ा चर्चा रहा। और ताहाल है ओलंपिक गेम्स के अंदर भी मैं देख रहा था इख्तितामी तकरीब में उनका जिक्र आया कि उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में पहली दफ़ा जो है वो एक मेडल जीता सोने का, तो एक बहुत बड़ी कामयाबी है, उसको जितना सराहा जाए वो कम है। और रिकॉर्ड के हवाले से अब तक इतना आप कुछ सुन चुके होंगे ख़बरों के अंदर, सुबह से लेकर शाम तक दिखाया गया, खुदा का शुक्र है कि हमें भी ये ख्याल आया कि हमारे जो चैम्पियन हैं उनको किस तरह हमने कवरेज देनी है। दीगर मामलों और मौजूदात पे तो हम चलाते हैं सुबह से लेकर शाम तक खबरें, लेकिन ये वाकई एक बहुत बड़ी खबर थी पूरे पाकिस्तान के लिए, जिसको भरपूर जो पज़ीराई मिली भी और कवरेज भी उसको मिली, और ऐसा ही होना चाहिए। और इसके अलावा तनाज़ात क्योंकि हमारे साथ साथ चलते हैं, हम कभी भी ख़ुद को तनाज़ात से दूर नहीं रख पाते, तो वो सिलसिला भी दूसरी तरफ जारी रहा। और जैसे मैंने कहा कि सोशल मीडिया हमेशा से मौज खुला रहता है, उसके ऊपर भी बहुत सारी बातें होती रहीं कि अरशद नदीम साहब जो है उनको कोई सपोर्ट नहीं, कोई कुछ नहीं है, बड़ी अजीब अजीब बातें लोग, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी दानिश में बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं और बड़े मुनज़्ज़म तरीके से ये ख़बरें जो वो फैलाई जाती हैं। और ये भी मैं बार बार दोहराता हूँ कि बड़ी अच्छी बात है कि ना हमारा तारीख से कोई वास्ता है, ना इल्म के साथ, ना कोई हमें शऊर है, तो हमारे लिए तो मामला और आसान हो जाता है कि अगर किसी को कोई भी ख़बर फैलानी है तो बड़ी आसानी से वो दूसरी जगह तक पहुँच जाती है और हर शख्स फिर उसके बाद अपनी राय कायम कर लेता है। तो ये सिलसिला चल रहा है सोशल मीडिया पर और आपके सामने पर, जिस किस्म की बातें होती रहीं कि बड़े गरीब थे और ना जाने क्या था, खाने के लिए नहीं था, अजीब अजीब बातें, अजीब अजीब तज़िए और तबसरे हो रहे हैं और अजीब अजीब सवालात भी हो रहे हैं मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह, क्योंकि जैसे ही लोग वहाँ पर पहुँचे, ख़ासतौर पर हमारे मीडिया के ही नुमाइंदगान,
अब हो ये रहा है कि ये भी थोड़ी सी बात क्लियर कर दूं, तो लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं आजकल के, बहुत सारे रिपोर्टर्स हमें नज़र आते हैं, एक जगह जत्था नज़र आता है, उसमें बहुत थोड़ी तादाद होती है जो वाकईतन जर्नलिस्ट होते हैं या सहाफ़ी होते हैं या जो सवाल करते हैं। बाकी मानदा जो उसमें लोग हैं आजकल, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी हर शख्स जो है वो जर्नलिस्ट बना हुआ है, एक एक माइक उसने थाम रखा है, और जिस किस्म के वो सवाल करता है उससे बखूबी अंदाज़ा हो जाता है कि उसकी क्या काबिलियत है या वो कितना मामला को समझता है। तो इसी तरह के लोग जो हैं उन्होंने बहुत सारा जो है वो घेर के रखा, और जिस तरह के सवाल हो रहे हैं वो आपके सामने हैं, जिस किस्म के तज्जिए तबसर हो रहे हैं वो भी आप यकीनन देख रहे हैं। तो उससे महज़ूज़ हों, इसको इन्जॉय करें, लेकिन कतई इसको हकीकत ना जानें, और आगे तक पहुँचाने से, एक दूसरे को फॉरवर्ड करने से पहले हमें हमेशा बात ये कहता हूँ, ज़रूर सोचें आपकी सियासी मुखालफत चाहे जिससे भी हो, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके उसके ख़िलाफ़ जो भी बात आए आप उसको सच मान के दूसरे तक पहुंचाना शुरू कर दें। बहरहाल अब ये बात तो शायद उनको समझ में आएगी जो शायद मामलों को समझते हों, पढ़े लिखे भी हों और थोड़ी बहुत तरबियत भी हुई हो, तो वो ये सारी चीज़ों को समझेंगे। मगर ना यहाँ होता ये है कि जब आपके मनपसंद लीडर के ख़िलाफ़ कोई बात आपको बताई जाती है या उसकी खामी की अगर कोई निशानदेही की जाती है या उन पर तनकीद अगर की जाती है, तो उसका जवाब किस तरह दिया जाता है, वो जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं बखूबी इस बात से वाकिफ़ हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ या किस तरफ मैं निशानदेही करवा रहा हूँ। तो बहरहाल ये बड़ा मुश्किल हो चुका है हमारे यहाँ, और इससे कतई आपकी बरतरी साबित नहीं होती। ये बात भी याद रखिए कि अगर आप इस तरह के बातें करते हैं, क्योंकि अब तो माशाल्लाह जाली अकाउंट्स भी आपके पकड़े जा रहे हैं, आपके लोगों के वो लोग भी सामने आ रहे हैं जो जाली अकाउंट्स चला रहे हैं, और किस किस तरह उसकी तशहीर कर रहे हैं, किस तरह एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं ग्रुप्स में, वो सारी चीज़ें अब एक्सपोज हो चुकी हैं। तो बहरहाल यही मामला था आपके सामने हैं। इस जीत को भी मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है, और बड़ी बदकिस्मती है कि ये कोई बाहर से या दीगर ममालिक से या जो पड़ोसी मुल्क है उसकी जानिब से नहीं, यहाँ बैठे हुए लोग ही उसको मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारा वतीरा बन चुका है। हमारे से मुराद में उन लोगों की निशानदेही कर रहा हूँ जो एक जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। सियासी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए थोड़ा सा मैं मोहतात रहता हूँ। तो सियासी जमात जो है इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है, सोशल मीडिया पे इस तरह के ट्रेंड्स चलाए जाते हैं ताकि हर चीज़ को मुतनाज़ बनाकर पेश किया जाए। तो इससे बाज रही है, हकीकत आपके सामने पहले ही रख चुका हूँ, बल्कि बड़े अरसे से इसके ऊपर प्रोग्राम्स में बात कर रहा हूँ, और कमोबेश 4 साल का अरसा हो चुका है कि इन चीज़ों की निशानदेही कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में खेलों को कैसे तरक्की दी जानी है और दी जा सकती थी, किस तरह उसको तबाह किया गया, किस तरह इदारों को तबाह किया गया, किस तरह डिपार्टमेंट्स को बंद किया गया, कितने खिलाड़ियों को बेरोज़गार किया गया, वो सबके सामने ये बात आया है। अगर नहीं जानते तो दोबारा दोहरा देता हूँ, इससे पहले भी ये बात दोहराई थी तो बहुत सारे लोगों को नागवार गुजरा था, लेकिन हकीकत से आप कैसे आंखें चुरा सकते हैं। हकीकत ये है कि जो जितने भी खिलाड़ी हैं, अरशद नदीम साहब की मिसाल लीजिए, ये वापडा की नुमाइंदगी करते थे, फिर एक साबिक वज़ीर आज़म जो इससे पहले हुकूमत में रहे, उन्होंने आकर पाकिस्तान के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सबको बंद कर दिया, और उनकी एक अपनी, जाहिर है हर चीज़ को सबसे ज़्यादा समझते हैं, सियासत को आपसे ज़्यादा समझते हैं, तारीख को आपसे ज़्यादा समझते हैं, बरतानिया को आपसे ज़्यादा समझते हैं, मुल्की मईशत को आपसे ज़्यादा समझते हैं, खेलों में बाहर चैम्पियन टीम रही है आपसे ज़्यादा समझते हैं, तो हर चीज़ में वो आपसे ज़्यादा समझते हैं। तो उनकी ये समझ ने काम किया कि पूरे मुल्क के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको बंद कर दिया। नतीजा ये निकला कि उसमें बड़ी तादाद खिलाड़ियों की बेरोज़गार हुई, और उसके बाद बहुत बड़ी तादाद में क्रिकेट से, हॉकी से, फुटबॉल से, दीगर खेलों से लोगों ने, नौजवानों ने उसको तर्क करके, किसी ने फिर फूड डिलीवरी का काम स्टार्ट किया, कोई मिस्त्री बना, कोई लोडिंग का काम करा, और इस तरह के काम करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। तो ये सूरत हाल रही है। और फिर अब क्रेडिट लेने का एक हमारा एक और भी मसला है। हमारा मसला हमेशा से ये रहा है कि हमें क्रेडिट लेने का बड़ा शौक है, कोई भी कामयाबी हो किसी भी सतह पर हम कोशिश करते हैं उसका क्रेडिट खुद ले जाएं। जब बात डिलीवर करने की आती है तो इस तरह के फैसले होते हैं, और जब क्रेडिट लेने की बात आती है तो फ़ौरन से हम सामने आ जाते हैं कि जी हमने ये कोशिश की थी, उस वजह से आज ये नतीजा उसका निकला। बिल्कुल ठीक है जी, कोशिश कीजिए, क्रेडिट भी लीजिए, लेकिन वाकईतन और अमलन इसके लिए कुछ कीजिए। बहुत सारी ऐसी जगहों की निशानदेही हैं जो करते आए हैं, मिसाल के तौर पे इन डिपार्टमेंट्स की बहाली। मैं शुरू से इस बात के ऊपर जोर दे रहा हूँ कि ये इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त मौजूदा हुकूमत के लिए, कि वो जो सिलसिला ख़त्म किया गया था, क्रिकेट की मिसाल इसलिए देता हूँ क्योंकि पाकिस्तान में एक वाहिद स्पोर्ट्स क्रिकेट बचा था जिसमें कहीं हमारी नुमाइंदगी हुआ करती थी,
बहरहाल उसको जिस तरह से नुकसान पहुंचाया गया डिपार्टमेंट्स को बंद करके, तो आहिस्ता आहिस्ता खिलाड़ी बेरोज़गार हुआ और खेल से दूर चले गया। और यही वजह है कि इस वक्त जो टीम की हालत आपकी है, मौजूदा क्रिकेट टीम की इंतहाई बदतरीन दौर से, क्रिकेट की तारीख में जो पाकिस्तान की मुख्तसर सी है उसमें ये सबसे ज़्यादा बदतरीन दौर इसको समझा जा रहा है। जो कुछ हुआ है, जो कुछ हो रहा है, वो सबके सामने, और फिर मैनेजमेंट पे, मैं इस पर भी तनकीद करूँगा और हमेशा से करता आया हूँ। मामलात को पहले भी कोई बहुत बेहतर तरीके से नहीं चलाया जा रहा था, तो हम इस वक्त जिस तरह से मामला चलाए जा रहे हैं उस पर सबसे ज़्यादा तश्वीश हो रही है। जैसे ही अभी जो पैदर पे शिकस्तें मिली, वर्ल्ड कप में इतनी हजीमत उठाना पड़ी, ऐसी एक शिकस्त मिली, शिकस्त फाश मिली है कि सारे खिलाड़ी आपके जो हैं, ये जो नाम निहाद आपके सुपरस्टार्स हैं, ये खुलकर एक्सपोज हुए। उसकी वजह यह है कि ये सब सिफारिशी बुनियादों पर और ना जाने किन किन तरीक़ों से यहाँ तक पहुँचे, और नतीजा ये निकला कि जब भी आलमी मुकाबलों में हिस्सा लेंगे इसी तरह की कारकर्दगी नज़र आएगी। ज़ाती इख्तलाफात और ये सारे महज एक एक इसका हिस्सा है, मगर ये नाहलियत है। अगर ये नाहिल हैं, अहलियत नहीं है, उसका नतीजा ये निकलता है ग्राउंड के अंदर जाकर फिर जिस किस्म की कारकर्दगी दिखाते हैं। बहरहाल कहने के लिए तो बहुत कुछ है, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में इसका तस्करा कर चुका हूँ, ये मौजूद इस वक्त नहीं है। बहरहाल खेलों के हवाले से ज़रूर बात कर रहा था, तो ये बेहतरीन मौका है, आप इस चीज़ को समझिए। दीगर खिलाड़ियों में, दीगर ममालिक में देख रहा था कि मैं, छोटे छोटे ममालिक जिनकी आबादी महज किसी की 2 करोड़ है, किसी की 2.5 करोड़ या इससे भी कम है, कहीं 20 मेडल्स हैं, कहीं 30 मेडल्स हैं, कहीं हज़ारों। अमेरिका जैसे मुल्क में देख रहा था 2,000 से ज़्यादा मेडल्स वो जीत चुके हैं अब तक के ओलंपिक्स मुकाबलों में। इसी तरह चाइना और दीगर ममालिक हैं, रशिया है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, ओके, तो बहुत सारे उनकी मेडल्स की तादाद है। और कैसे ये मुमकिन हुआ, कैसे उन्होंने इसके ऊपर काम किया और उसकी अहमियत क्या है, कभी मौका मिलेगा इसके ऊपर ज़रूर गुफ्तगू करूँगा। इस वक्त डॉक्टर मोहम्मद शहबाज़ हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर तालीम भी हैं, तज़ियाकार भी हैं, सुबह के वक्त उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनको हम खुश आमदेद कहेंगे। और मुल्क इस वक्त जो सूरत हाल है, मौशी सूरत हाल है और दीगर मामला, तो उस पर गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश वक्त देने के लिए प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब अभी कुछ देर पहले मौजू की तरफ तो मैं आऊँगा, लेकिन पाकिस्तान के हिस्से में एक बड़ी कामयाबी आई, एक सोने का तमगा जो है पाकिस्तान जीतने में कामयाब हुआ एथलेटिक्स के अंदर, और अरशद नदीम साहब का जो है वो तस्करा हो रहा है। डॉक्टर साहब ये क्या अहमियत होती है खेलों की और खिलाड़ी की? मैं देखता हूँ ये बड़े ममालिक जो हैं ये खामखा इतनी मेहनत करते हैं, चाइना, अमेरिका और इस तरह के ममालिक खामखा एथलीट्स को भेजते हैं, खामखा इतने सारे मेडल जीत भी चल लेते हैं और अपने वतन वापस भी चले जाते हैं, इससे होता क्या है ये तो ज़रा बताइए, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, बड़े ममालिक क्यों इतना खर्चा करते हैं इसके ऊपर? जी यासर भाई, बेसिकली देखा जाए तो खेल जो है ये आपकी कौम की सेहत की अलामत होता है। ठीक है, खेल से पता चलता है कि आपकी कौम जो है वो अपनी सेहत का कितना ख्याल रखती है। जी सेहत से पता चलता है कि आपकी जो गवर्नमेंट है उसके लिए सेहत की क्या अहमियत है, और सेहत से ही पता चलता है कि आप लोग जहनी तौर पर कितने मेच्योर हैं। वाह बहुत अभी खूब जैसे इंट्रोडक्शन के अंदर आपने बातें की, आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया, जी आपने उन लोगों का भी जिक्र किया जो अरशद नदीम का क्रेडिट छीनने की कोशिश कर रहे जी हैं। जी मेरे तो जाती ख्याल ये है कि ये जितने लोग हैं, जैसे पीटीआई एक सियासी जमात है, जैसे आपने कहा जी मैं भी बड़ा मोहतात रहता हूँ, तो मैं भी मोहतात होकर वो अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ। फिर मुस्लिम लीग नून जो है वो भी एक सियासी जमात है, जी पीपल्स पार्टी वो भी एक सियासी जमात है, तो हर एक बंदा जो है वो क्रेडिट छीनने की कोशिश कर रहा जी है। जी इसमें पिछले दिनों आपने वो वीडियो भी देखा होगा जिसमें राणा मशहूर साहब कह रहे हैं जी जी आज शहबाज जी शरीफ साहब को कि ये जनाब आपका वीएन है। बात यह है कि जो इंडिविजुअल कोशिश है उसकी, अरशद नदीम की, वो किस खाते में जा रही है। बिल्कुल सही। मेरे मुताबिक अगर ये क्रेडिट का कोई हकदार बंदा है जो गोल्ड मेडल जेवलिन थ्रो में अरशद नदीम ने जीता है, तो वो सिवाय अरशद नदीम के और कोई बंदा नहीं है। बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ऐसा ही तो इस चीज को हमें खुले दिल से जो है वो तस्लीम करना चाहिए, जी बजाय इसके कि ये वो बात होगी कि मीठा मीठा सारा मेरा और अगर कड़वा हो तो उसको हमने थूकना शुरू कर देते हैं। आपका वीएन जो है ये खाली जबरियन थ्रू जो है उसमें ही क्यों नजर आ रहा है? क्रिकेट में नजर क्यों नहीं आ रहा? जी हॉकी में क्यों नहीं नजर आ रहा? फुटबॉल में क्यों नहीं नजर आ रहा है? कबड्डी में क्यों नहीं नजर आ रहा? और आपको याद है हम स्क्वाश के चैंपियन हुआ करते थे जी बिल्कुल बिल्कुल, और कंटिन्यूस हमने वो चैंपियनशिप को बरकरार रखा, 10 साल तक तो जीतते रहे ब्रिटिश ओपन, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल हाँ जहांगीर के पास। उसमें उसमें विजन नजर क्यों नहीं आ रहा? तो आप देखें जो खिलाड़ी आपके होते हैं वो निकलते हैं खेल के मैदानों से, तो पाकिस्तान में जो खेल के मैदान सारे ये हाउसिंग माफिया जो है वो सारे का सारा हड़प कर दिया है। कभी एक वक्त होता था कि पब्लिक स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल जिसे कहते हैं, जी उसके साथ 2 कनाल, 4 कनाल, 1 एकड़, 2 एकड़, 4 एकड़ जमीन होती थी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सही
वजह कि इसमें बच्चे खेलते थे, फिर स्कूलों के अंदर जो है इस तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो हुआ करती थी, आज वो खेल के मैदान खत्म हो गए क्योंकि जमीनें बिक गई। जो भी गवर्नमेंट नहीं आई उसने सबसे पहले ये काम किया, किसी शहर का मेयर है, किसी शहर का वो मुल्क का प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है या सीएम है, तो उसने सबसे पहले ये निशानदेही की कि पता करो कि इस मेरे सूबे में या मेरे एरिए में कौन सी ऐसी जमीन जो खाली पड़ी हुई है। बिल्कुल ठीक। हाँ जी, वो फलां पब्लिक स्कूल है, उसके साथ 2 एकड़ जमीन खाली पड़ी हुई है, 3 एकड़ जमीन खाली पड़ी, 2 कनाल पड़ी हुई, बस ठीक है जी, उसको ऐसा करो कि वो मार्क करो, तो ये आने वाले 4 सालों में ये जमीन बिक जानी चाहिए। आप राउंड लगा लें, सर्वे कर लें जी, जितने गवर्नमेंट के स्कूल हैं आपको अब कोई इस तरह की जमीन नहीं मिलेगी। इवन कि मैं ये भी कहूंगा गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं उन बेचारों को अब ये परेशानी बनी हुई है कि जो जो स्कूलों का एनरोलमेंट बढ़ती जा रही है तो हमने नए कमरे बनाने हैं, उनके पास वो नए कमरे बनाने के लिए जगह नहीं है। तो जब आप वो जो पनीरी थी जहां से खिलाड़ियों ने पैदा होना था जी, आपने वो जगह ही खत्म कर दी। बिल्कुल। अब उसके बाद क्या हुआ, खिलाड़ी फिर आ गए गलियों के अंदर, तो अब जो आपका टैलेंट है वो गलियों में रुल रहा है। जैसे आपने कहा जी वो पीटीआई गवर्नमेंट जब आई, क्योंकि वो हमारे जो साबक चैंपियन थे क्रिकेट के अंदर, उन्होंने पूरे हिसाब से जो है वो खेलों को पाबंदी लगा दी। अब हुआ क्या, खिलाड़ी जो है कोई पिज्जे की डिलीवरी कर रहा है, कोई वैसे फूड डिलीवरी कर रहा है, जो सो ऑन जो भी चीजें हैं जी। तो आप ये देखें कि उसके बाद जो टैलेंट पाकिस्तान का खेल के मैदानों से निकलना था, उसने दुनिया के नक्शे के उभरना था, हमने उसको गली कूचों के अंदर लेके आ गए। बिल्कुल सही। अब गली कूचों में तो आपको पता है इकोनॉमिक घुटन बहुत ज्यादा, सामाजिक घुटन बहुत ज्यादा, बिल्कुल, उसके बाद जो इकोनॉमिक मिजरी है वो बहुत ज्यादा, सोशल मीडिया की मेहरबानी के नफ्सियाती प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज्यादा। तो हुआ क्या कि वो आपका जो खिलाड़ी था जिसने खेल के मैदान में पैदा होना था वो गलियों में आके घुट घुट के मर गया। बिल्कुल सही। अब ये कोई इक्का दुक्का बंदा जो अपनी कोशिश से वो ऊपर आ जाता है तो फिर हम सारे उसको जफियां लगा रहे थे, उसको चूम रहे होते हैं, उसको लाड भी कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही। कि ये सर आपका विजन था। अब आ जाइए ओलंपिक 2024 के अंदर, इंडिया से 117 लोग गए थे, आप यहाँ से 7 लोग गए हैं। बिल्कुल सही। अब मेरा सवाल ये है क्या ये पूरी कौम ने ओलंपिक 2024 के लिए 7 खिलाड़ी ही पैदा किए हैं? बिल्कुल। इससे बात ये जाहिर होती है कि हमारी चूंकि प्रायोरिटी नहीं है, हमारी प्रायोरिटी वहीं पे आ जाती है जो मैं बारहा बात कर चुका हूँ कि हमने 5 साल पूरे कैसे करने हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। अब जहां तक जो तरक्की वाला की बात आप कर रहे हैं, वहां पे आप जो उनका हेल्थ इंडिकेटर है वो चेक करें, जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी इंडिकेटर है वो चेक करें, क्योंकि उनको पता है कि हम सारे सेक्टर जो खासकर एजुकेशन और जो हेल्थ है इसको जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे तो जितने इस तरह के मेगा इवेंट्स पूरी दुनिया में हो रहे हैं उसमें हमारे खिलाड़ी जा नहीं पाएंगे, अगर जाएंगे नहीं तो हमारी पूरी दुनिया का जो प्रेजेंस है वो कैसे शो होगी। बिल्कुल ठीक। अब अभी जैसे बात कर रहे थे कि जो कल तक चाइना के 39 गोल्ड मेडल थे जी, और अमेरिका के कल तक 38 गोल्ड मेडल थे जी, आज जो आपने बताया इंटर में दोनों के 40-40 हैं, तो अब देखें एटलीस्ट कोई एक मुल्क तो है जो अमेरिका की टक्कर का है या अमेरिका के बराबर खड़ा हो रहा है। बिल्कुल सही। अब जो विंटर में हुआ था ओलंपिक्स उसमें आप आ जाए 2002 में, उस वक्त जब से ओलंपिक्स गेम शुरू हुई है अमेरिका के पास 2800+ गोल्ड मेडल्स हैं। जी जी बिल्कुल आपने सही कहा, 2000 से ज्यादा ही। 713 है चाइना के, 713 हैं जी। तो आप देखें कंट्री जो 713 से शुरू हुआ है अभी 2 साल पहले की बात है जी, तो आज 24 में जो ओलंपिक्स हुआ है उसमें अमेरिका के बराबर वो गोल्ड मेडल ले रहा है। तो हमें क्योंकि हम जैसे मैंने आपसे कहा पहले भी हम अपने आप को आइसोलेट करके बैठे हुए हैं, हमारी जो हमारे जो टारगेट्स क्या हैं जी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी बिल्डिंग जी, गुजरांवाला की सबसे बड़ी बिल्डिंग जी, कराची की सबसे बड़ी बिल्डिंग। अब चाइना जो है अगर वो अमेरिका के बराबर गोल्ड मेडल उसने जीते हैं 2024 में, उसकी वजह ये कि वो जो उनका जो बेसिकली कॉम्पिटिशन है वो है यूएसए के साथ। बिल्कुल ठीक। वो बात ही वहां से शुरू करते हैं। तो आप देखें जितना बड़ा कैनवस आप बनाएंगे उस वो उतनी ज्यादा जगह घेरेगा। अब मसला ये कि हमारे चौके वो कैनवस सिर्फ यहाँ तक रह गया है कि जी मैंने 5 साल पूरे करने हैं तो मेरे 5 साल पूरे होने चाहिए। दुनिया जो है वो सारे सेक्टर के अंदर बारी बारी जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज्यादा हम अपने ह्यूमन कैपिटल को प्रमोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे किसी फॉर्म में। अमेरिका अभी क्रिकेट की टीम आई है ना अमेरिका की, और देखें उन्होंने आते ही कितना ज्यादा टीमों को उन्होंने टफ टाइम दिया, उनका पहला साल था। आप देखें क्रिकेट कब से खेल रहे हैं जी, तो आप अपना मैच चेक कर लें। बिल्कुल। तो बात ये है कि ये जो बात अब कर रहे हैं ना जो डेवलप कंट्रीज हैं इतना क्यों खेलों के ऊपर खर्चा कर रहे हैं, बेसिकली उनको पता है ह्यूमन कैपिटल जो है उसकी वैल्यू क्या है और उसके ऊपर हमने कितना खर्च करना है और कितना हमने इसको प्रमोट करके ऊपर लेके जाना है। डॉक्टर साहब एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगा, मैं बड़ा सोचता हूँ इसके बारे में, सोचने पर मजबूर हूँ आज भी,
कि आप किसी भी खेल में देखें, किसी भी इनफरादी शख्स को देखें, उसकी परफॉर्मेंस आप देखेंगे, जितना जितना वो खेलता जाता है वो उतना प्रोफेशनल होता जाता है, उसकी परफॉर्मेंस में बेहतरी आती है। यहाँ पर मैं देखता हूँ यहाँ बिल्कुल उल्टा सिस्टम है, जैसे हर शोबे में हम उल्टा चल रहे हैं। यहाँ भी ऐसे नज़र आता है कि जब हम हॉकी खेलते थे तो पास्ट में हमसे बेहतर कोई टीम नहीं थी, आज आते आते इस हाल तक पहुँच गए कि ना ओलंपिक्स में जगह बना पाते हैं, ना किसी अच्छे टूर्नामेंट में एक्सपोजर ले पाते हैं। स्क्वाश की अभी आपने बात की है, शायद इस बच्चे जो हैं ये खास तौर पे जो सोशल मीडिया पार्टी है, इनको नहीं पता कि जहांगीर और जानशेर कितने बड़े नाम थे और क्या हमारी लेगेसी थी, आज हम कहाँ पहुँच गए। इसी तरह आप क्रिकेट के अंदर आप देखें कि कितनी बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेज हमने दी हैं और आज हम कहाँ तक आ गए। तो ये हो क्या रहा है कि पूरी दुनिया में देख रहा हूँ खेलों के अंदर जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वो बेहतरीन होते जा रहे हैं और हम आहिस्ता आहिस्ता तबाही की तरफ आ रहे हैं, ये सिलसिला आखिर है क्या? अब मैं उसमें बताता हूँ आपको कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमारी जो नई जनरेशन है, शायद उनको पता ही ना हो कि स्क्वाश भी कोई खेल होता है, जी जी बिल्कुल उनको सही कह पता रहे ही हैं। ना हो, क्योंकि वो इतने ज्यादा अपने आप को सोशल मीडिया में इन कर चुके हैं, वहां को खबर गलत भी हो तो वो भी सच मान के बैठे होते हैं। इवन के अम्मा अब्बा या बहन भाई जो समझाएं कि ये बात इस तरह से नहीं, इस तरह से, तो कहते नहीं, जो सोशल मीडिया के ऊपर आ गया वही वही हक है, वही सच है। बिल्कुल एक आपने चीज, सही कहा। दूसरी बात ये है कि आप देखें कि आपके यहाँ प्रोफेशनलिज्म है कहाँ पे। अब 80s के बाद आ जाए तो थोड़ा प्रोफेशनलिज्म था, वो ऊपर से लेके नीचे तक वो ट्रिकल डाउन हो रहा था। जी अब जो आपकी ऊपर क्लास बैठी हुई है जो पूरे मुल्क को गवर्न कर रही है, वहां पे ही प्रोफेशनलिज्म नहीं है, तो नीचे प्रोफेशनलिज्म कहां से आएगा। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में जो जो लोग जहां जहां काम कर रहे हैं, वो सियासतदान हैं, वो खिलाड़ी हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये सो उनको और है, जी हर बंदा अपनी अपनी दिहाड़ी लगाने की कोशिश कर रहा है। तो वो जब ये सोच होगी तो वहां प्रोफेशनलिज्म कहां से होगा। अब दूसरी बात यह है कि हमने जो ये तो खेल है, क्या अकेडेमिया के अंदर इस तरह के लोग, बड़े बड़े लोग नहीं है, बड़े बड़े नाम नहीं है जिन्होंने अकेडेमिया के अंदर बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है? जी ये किसी सियासतदान को बुला के पूछ लीजिएगा, आप ये बताइए कि अकेडेमिया में कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने रिसर्च के अंदर अपना नाम बनाया है? तो बिल्कुल अगर कोई ठीक, बंदा आपको बता जाए तो मुझे पकड़ लीजिएगा आप। बिल्कुल सही। फिर उसी मिनिस्टर को या को और किसी और को, उसको पूछ लीजिएगा कि सेहत के अंदर कोई ऐसा कौन सा बंदा है जिसने रिसर्च करके पाकिस्तान का नाम रोशन किया है? कोई बंदा बता जाए तो मुझे पकड़ लीजिएगा। मैं कभी कभी हैरान होता हूँ, ये खासकर जो सितारा इम्तियाज है ये आप लोगों को देते हैं, तो मुझे कहीं पे भी उन लोगों का कोई ऐसा कारनामा नजर नहीं आता कि जिसके ऊपर मैं ये बात करूं कि हाँ यार ये बंदा डिजर्व करता है। बिल्कुल ठीक और है। हाल हमारा सर ये है कि मीरा से कोई बंदा पूछता है कि अर्शन रहीम ने गोल्ड मेडल जीता है तो आप उनके बारे में क्या कहेंगे, तो वो कहते हैं जी हाँ उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली। तो यही सूरत है सर सारी इन लोगों की है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। जी अब मेरा किसी ने जिक्र किया एहसन इकबाल साहब से, जी एहसन इकबाल साहब ने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज किया कि मैंने तुम्हारे बारे में बड़ा अच्छा सुना है। मैंने रिप्लाई बैक किया उनको, तो मेरी उस वक्त पोजीशन आई थी दुनिया में टॉप 5th में था। जी जी बिल्कुल तो वो कहते हैं अब दुनिया में टॉप 5th पोजीशन रिसर्च के अंदर लेना कुछ छोटा काम नहीं है, बिल्कुल बहुत सही, बड़ा बिल्कुल काम सही, है। तो बड़ी मुझे कह रहे हैं अचीवमेंट हम है। आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला की जात जो है आपको नंबर वन पोजीशन बनाए। मैं कहा सर ये 2 साल मुझे दें, मैं नंबर वन पे हूँ। मैं कहा जी मेरा ईमान अल्लाह ताला की जात के ऊपर, मैं नंबर वन पे हूँ, मेरे के अंदर मैं टॉप 5th से टॉप 3rd में आ गया हूँ। जी यकीन करें यार मैं ना तरस ही गया हूँ, कोई बंदा, कोई ऑफिशियल लेवल का बंदा ये कह दे कि यार शबाज ने कोई अच्छा काम किया है। बिल्कुल सही, अब अर्शन रहीम का मामला ये था कि वो चूंकि ओलंपिक में था, इंटरनेशनल मीडिया था, तो वहां से जारी सी बात है सारी फोटो फोटो सारी सारा कुछ जो मतलब वो हो रहा था, बिल्कुल उसके लिए लाजिम था कि वो जब एयरपोर्ट के ऊपर हम आए तो सारे मिनिस्टर इकट्ठे होकर हम तस्वीरें बनाए अपनी। बिल्कुल अब सही। यही बात जो है मुझे याद है, मैं फ्रांस में था तो मैंने रिसर्च में एक पोजिशन मतलब के पोजिशन एक हासिल की, तो मुझे जो मेरे स्कूल का डीजी था ना, वो मुझे, मैं ऐसे लंच में बैठा हुआ था तो वो मेरे पास आकर उसने मुझे कंग्रेचुलेट किया। जी तो मैं जी हैरान हो गया कि मैं कहीं ये डीजी लेवल का बंदा है, तो इसकी इतनी नजर है कि इसको पता है कि वो मोहम्मद शहबाज पाकिस्तान से है, तुमने इस साल में हमें ज्वाइन किया, ये डेट थी, तो ये तेरा इंटरव्यू हुआ था और जब वाला मुझे पता चला अगर सच के अंदर तूने ये अचीवमेंट की है, तो मेरा दिल किया कि मैं आके तुम्हारे पास में मुबारकबाद दूं। बिल्कुल ठीक तो ये जो एक सर वो विल है ना, विल जी ये जी बड़े मुल्कों में पाई जाती है। बिल्कुल हमारे ऐसा यहाँ ही। तो जो टैलेंट है उसको तो हम डिस्ट्रॉय करते हैं यार, बड़े फखर से हम बताते हैं कि अच्छा जी हमने ये पॉलिसी बनाई और जी हमने इसको रिकवर दी, जैसे भी आपने इंट्रो के अंदर बताया है। जी जी तो जी मुझे बताइए कि आप अर्शन रहीम का जो ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ ना, वो सिवाय अर्शन रहीम की कोशिशों के किसी और को क्रेडिट ना लेना चाहिए और ना बिल्कुल क्रेडिट जाना चाहिए। ना जाना चाहिए। डॉक्टर साहब चलिए, इस सारे सिलसिले में जो एक बड़ी खुशाइन बात है ना, वो मुझे ये नज़र आती है कि हमारे यहाँ एक माइंडसेट बन चुका था कि अगर हमारे पास परफॉर्मर आएंगे,
अगर अच्छे खिलाड़ी आएंगे या अचीवर्स आएंगे तो बड़े शहरों से आएंगे, लाइक कराची से, लाहौर से, फैसलाबाद से, दीगर शहरों से। लेकिन ये जो है ना, ये बड़ी अच्छी बात मुझे समझ में आती है, आपका भी जब ताल्लुक है और अरशद नदीम का ताल्लुक है, मियाँ चुन्नू से, इस तरह दीगर जो और लोग आ रहे हैं जिन्होंने बड़े बड़े काम किए, दुनिया में नाम कर रहे हैं, ये अब जो छोटे इलाके जिनको समझा जाता था ना, ये वहाँ से सामने आ रहे हैं। इसका मतलब तो ये है कि हमारे पास टैलेंट तो हर जगह पर, हर सतह पर मौजूद है, बस पजीराई उनको नहीं है। तो ये जो स्टेटस को एक बना हुआ था कि जी बड़े शहर से होगा ही तभी परफॉर्म करेगा, ये तो अल्लाह का शुक्र है अब टूट गया। अब लोगों को भी समझ में आ गई है कि पाकिस्तान के हर इलाके में, गली कूचे में बराबर का टैलेंट मौजूद है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, मैं कॉमसेट्स में जब मैंने अपना करियर शुरू किया यार, मैं अक्सर वहाँ पे ये बातें सुनने को मुझे मिला करती थी कि इसकी इंग्लिश ठीक नहीं है, ठीक है इसकी उर्दू ठीक नहीं है, यार ये प्राइवेट सिस्टम का पढ़ा हुआ है, इसको तो कुछ आता जाता नहीं। मुझे कुछ भी नहीं आता जाता, यकीन करो, अल्लाह मैं ये बात तस्लीम कर रहा हूँ। जी जो अल्लाह जी ताला मुझे एक अलफ बे सिखा दी है, मैं उसी अलफ बे की वजह से अल्लाह ताला मेरे अल्फाज में, मेरी टाइपिंग में, मेरे छोटे छोटे जो मतलब कि मैं जंप लगाता हूँ उसको बड़े बड़े जंप मेरे अल्लाह की जात बना रही है। बेशक तो वही मेरे साथ करते। ऐसे लोग भी थे जो बड़े बड़े एस सी से पढ़े हुए थे, फिर एचईसीएन से पढ़े हुए थे, फिर जनाबों की जिन लोगों का मैट्रिकुलेशन लेवल जो है वो डिविजनल पब्लिक स्कूलों से उन्होंने मेरे को बनाया हुआ था, लेकिन मेरे साथ कोई बंदा चल नहीं सका। अब चूंकि मुझे वो हिट करते थे, ये बात सारी सी बातें वो टाउन करते थे ना, तो मैं कभी मैंने माइंड नहीं की बात उनकी। मैं कहता कि ठीक है, आप मेरी जात में से खामियां निकाले तो मैं उन खामियों को दूर करने की कोशिश करूंगा, और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। जी और अगर मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं तो मैं इसको अच्छा बनाऊंगा, अगर मेरी उर्दू अच्छी नहीं तो मैं अच्छा बनाऊंगा, अगर बिल्कुल मेरी ठीक। रिसर्च अच्छी नहीं तो मैं अच्छा बनाऊंगा। तो वो सारी ये जो इनकी टांट थी ना, मतलब कि ये जो सो कॉल्ड बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन आप कह रहे हैं जी वहां जी से पढ़े हुए जो हाई स्कॉलर लोग थे, तो वो इनकी टांट ने मुझे वो काम करने का हौसला दिया। जी तो मैं डे बाय डे चीजें करता है, अल्लाह ताला की ज्यादा हमें इज्जत दे दी है। अच्छा, अब ये भी जो बस एक वो स्टोरी है कि जी वो बड़े शहरों से लोग निकलेंगे तो बड़े वो मेहनती होंगे, कतन ऐसी बात नहीं। इंसान वही मेहनत करता है यासर भाई जी जिसने अपने बचपन में महरूमियां देखी होती हैं, तो वो महरूमियां जो है वो उसकी जात का हिस्सा बन जाती है, क्योंकि वो कोशिश ये करता है कि चले यार मैंने महरूमियां देख ली तो मेरे बाद जो आएंगे मैं इतना काम करूं कि उनको उन महरूमियों का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल ठीक। तो वो जो गरीब गुरबा या छोटे इलाकों के लोग हैं उसके पीछे एक मोटिवेशनल पावर जो है ना वो ये है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये बड़ा एक ज़रूरी है। और ये ख़ास तौर पे जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, जैसे मियाँ चुन्नू, पाकिस्तान में रहने वाले लोग ही ज़्यादा वाकिफ़ तो नहीं होंगे, शहर में भी अगर आप किसी से पूछ लें किसी इलाके का नाम, किसी कस्बे का नाम, तो उससे वाकिफ़ नहीं होता। लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो मियाँ चुन्नू को जो है वो पहचानती है, और वजह बने अरशद नदीम। तो ये काम करते हैं खिलाड़ी आपके, और यही पूरे मुल्क के लिए जो है वो नाम जिसको वाकईतन आप कहते हैं। और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, अच्छा एक और भी सिलसिला शुरू हो गया, मैं डॉक्टर साहब से भी इसके ऊपर राय लेता हूँ ना, बड़े दिलचस्प लोग तबसरे भी कर रहे हैं, तज्जिए भी कर रहे हैं, हर शख्स यहाँ पे तज्जिया कार बना हुआ है। डॉक्टर साहब, मवाजना किया जाता है वो फलाना स्पोर्ट्स इतना बड़ा है, ये स्पोर्ट्स इतना बड़ा है, ये अहमियत है क्या ओलंपिक्स की, ये तो ज़रा बताएं ना। आपने बहुत सारे ममालिक में ट्रैवल किया, ये कैसे इतना बड़ा इवेंट बन गया, इसके ऊपर तो ज़रा बात हो ना, ज़रा आप इसके बारे में क्या सोच रखते हैं, ज़रा फरमाइएगा कि ये देखिए मवाजने मेरी जो बात किए सुना जा रहे हैं यासर वो भाई, खेल छोटा, ये बड़ा। लोग जी लोग हमेशा अचीवमेंट की बात करते हैं, ये बात कोई नहीं कर। देखें, आपके पास एक गोल्ड मेडल आ गया ना, अब आपके लिए ये मैटर नहीं करता कौन सा खिलाड़ी बड़ा है कौन सा खिलाड़ी छोटा है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि आपने गोल्ड मेडल अचीव कर लिया। अब नीरज चोपड़ा जो है उसने सिल्वर मेडल अचीव कर लिया, जी वो इंडिया के लिए मैटर नहीं करता है कि कौन सा खिलाड़ी बड़ा है। उन्होंने कोशिश की, 117 बंदे उन्होंने बिल्कुल भेजे, ठीक, अपने खिलाड़ी बिल्कुल ठीक। भेजे, चले वो जो उनके मुकदर में अचीवमेंट थी वो आ गई। अब जैसे नीरज चोपड़ा की वालदा ने कहा जी नीरज जी मेरा बेटा है तो अरशद नदीम वो भी मेरा बेटा है, बिल्कुल सही। इधर से अरशद नदीम की वालदा ने बड़ा अच्छा जेस्चर दिया। तो देखिए बात यह है कि अचीवमेंट आपकी अचीवमेंट होती है उसमें ये हम कंसिडर करना शुरू कर देंगे फलाना। अब चाइना ने फर्ज करो अगर 40 गोल्ड मेडल लिए तो चाइना ने मेहनत ज्यादा की होगी ना, हमने अगर एक गोल्ड मेडल लिया तो हमारी मेहनत उतनी थी। तो बिल्कुल हमें सही। बेसिकली इन चीजों को बढ़ाना चाहिए बजाय कि हम कंपैरिजन करना शुरू कर दें। ये फिर वही ऐसा वही बात है ना कि हमें दुकान के अंदर कोई ना कोई डिस्कशन के लिए कोई एलिमेंट चाहिए, हमें कोई बिल्कुल ठीक पॉइंट है, चाहिए, तो वो फिर हम लोग उस तरफ चले जाते हैं। अब बिल्कुल मैंने ऐसे। देखो मैं कोई को बड़ी बात तो नहीं अपने बारे में कर रहा, मुझे नहीं, मैं निकम्मा आदमी था अपनी क्लास का ना, मैं निकम्मा स्टूडेंट था अपनी क्लास का। मुझे याद है मैं जब AERC मैंने एडमिशन लिया था जी तो मैं एक मतलब कि एक तो होता है ना एवरेज, मैं एवरेज से बिलो था, ठीक। लेकिन जब मुझे समझ आई इस बात की कि जी मेहनत करेंगे तो आगे चीजें चलेंगी, तो फिर मैं जब रिसर्च में आया तो आहिस्ता आहिस्ता चीजें मैंने करना शुरू की। लोगों ने मुझे बड़ा क्रिटिसाइज किया, आज भी क्रिटिसाइज करते हैं, तो जी मैं समझता हूँ कि ये शायद क्रिटिसाइज करना उनकी नौकरी है और मेरी नौकरी ये है कि मैं उनके क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव लेके आगे बढ़ता जाऊं। बहुत तो खूब, बहुत चीजों को खूब। हमें यूं देखना चाहिए। जी, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर साहब कि हमारा ये शायद सबसे पसंदीदा मशगला भी यही है, तनकीद करना, माफ़ कीजिए, तनकीद बराए तामीर नहीं है,
क्योंकि वो जहन हमारे पास हैं ही नहीं। और मैं हमेशा कहता हूँ, खुदा का बड़ा शुक्र है कि हमारा ना तारीख से वास्ता है, ना हम इन तमाम मामलों को समझना चाहते हैं। ये भी बड़ा ज़रूरी है। अब आज अब से कुछ दिन बाद जब 14 अगस्त है, बाकायदा मनाया जाएगा, तो उससे पहले जो कुछ सोशल मीडिया पे हो रहा है, मेरा ख्याल है उसका तذکرہ तो यहाँ नहीं किया जा सकता, लेकिन इसकी अहमियत को समझना इस वक्त ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा ज़रा एक पैगाम इसके हवाले से भी हो कि इसकी क्या अहमियत है और क्या मायने रखती है ये। हम तो सब कुछ भुला बैठे हैं ना, या बहुत सारी चीज़ों का तो हमें इल्म ही नहीं है। मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर बात हो। जी, उसमें ऐसा भी देखें सोशल मीडिया को, मैं कल मैं टिकटॉक के ऊपर देख रहा है, वो बंदा है तो उसने पता नहीं मेल है या फीमेल आई डोंट नो, वो कायदे आजम की तस्वीर जो है उन्होंने लगाई अपने धड़ के ऊपर, वो जनाब आगे पीछे गाना लगाओ चला, ये तस्दीक नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ये है कि इन लोगों को हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, लेकिन हम हिस्ट्री इसलिए नहीं पढ़ते, हम कहते हैं हिस्ट्री लिखवाई गई, हिस्ट्री को चेंज किया गया। जी, अरे भाई लिखवाई गई, चेंज किया गया, कम से कम कुछ ना कुछ तो उसके अंदर मवाद ऐसा होगा जिससे अब सबक बिल्कुल सीखेंगे, सही है। तो आप उस तरफ टर्न लें नहीं। और मुझे याद है कि मैंने एक प्रोग्राम किया था तो उसमें हमने ये बात की थी कि सोशल मीडिया जो है पाकिस्तान की जो यूथ है उसके खिलाफ ये फिफ्थ जनरेशन वार का हिस्सा है, जी तो जिसके थ्रू हमारी जो यूथ है उसको तबाह बर्बाद किए जाने की कोशिश की जा रही है। मेरे ख्याल में अब तबाह बर्बाद हम हो चुके हैं, क्योंकि जब जी हम ये जी कहें कि जो मेरे अम्मा बाबा बात कर रहे हैं वो सच्ची नहीं है, जो मेरे बहन भाई बात कर रहे हैं वो सच्ची नहीं, मेरा बड़ा भाई मुझे समझा रहा है वो सच्ची नहीं, जो बात टिकटॉक के ऊपर लिखी है वही सच्ची है और वही हक और सच बिल्कुल है, ऐसा ही है तो फिर मेरे ख्याल में तबाही जो है उसको मजीद आपको लेने की जरूरत नहीं, यही काफी है। जी। अब देखें ये सोशल मीडिया है, यूके के अंदर कितने राइट्स हो रहे हैं, कितनी तबाही फैली यूके के अंदर, जी वो भी तो सोशल जो 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 अब फायर वाले उसको लगा रहे हैं ना, जी हमारे यहाँ फायर वाल लग गए तो कौन सा इतना बड़ा जो है ना वो कह लें कि धमाका हो गया। बिल्कुल भाई सेफ्टी कौम की हर लेवल पे जाके बड़ी जरूरी है, तो मेरा तो यूथ को यही पैगाम है कि भाई अगर आपको 14 अगस्त से प्यार है ना, तो फिर आप नेक्स्ट 14 अगस्त आने तक अपने साथ ये वादा करें कि हमें कुछ ना कुछ अपने मुल्क कौम की अब फलाह में इजाफा करना है, बहुत वो अच्छी इजाफा बात। किसी भी फॉर्म में हो सकता है, किसी यतीम बच्चे को आप सपोर्ट करें, किसी यतीम बच्चे के एजुकेशन में आप कंट्रीब्यूट करें, उसकी हेल्थ में आप कंट्रीब्यूट करें। कोई मुल्क के अंदर आप देखें इस वक्त जो है कितनी गर्मी है, क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से कितने ज्यादा उसके साथ पाकिस्तान की इकोनॉमी को पड़ रहे हैं, मुल्क को पड़ रहे हैं, लोगों को पड़ रहे हैं, तो ये यूथ अगर मैं रिकमेंड करूं तो मैं तो यही दरखास्त करूंगा इनसे कि भाई अपने हिस्से का एक एक पौधा लगा दें आने वाले 14 अगस्त तक, तो मैं समझूंगा कि आप मेरी यूथ जो है उसने पाकिस्तान की तरक्की में अपना कंट्रीब्यूशन डाल दिया है। बहुत अच्छी बात है। मगर इसमें एक चीज़ और है डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा ज़रा उसकी भी आप साथ निशानदेही कर दें कि हमारे यहाँ तो महज एक दिन ये ड्राइव चलती है कि पौधे लगाने पौधे लगाने। तमाम एनजीओज़ आ गई सड़कों पे, आज लगाए, और उसके बाद जैसे ही अगला दिन होगा उसके बाद सारे अपने कामों पर होंगे, ना उसकी कोई देखभाल होगी ना कुछ होगी। हमारा ये भी एक तरीका है, हम किसी एक दिन को बड़े भरपूर तरीके से मनाएंगे और उसके बाद सारी जिम्मेदारियां अपनी भुला बैठेंगे और फिर अपने कामों में लग जाएंगे। इसको कैसे तब्दील किया जाए, ये जो तरीका है, जैसा भी आपने पौधे की एक मिसाल दी, उसकी तो बड़ी देखभाल करनी पड़ती है, उसकी निगहदाश्त के लिए बहुत सारे और दीगर लवाजमात हैं पूरे करने पड़ते हैं। हमारा तो वो तरीका है नहीं। हम तो आज अगर कोई दिन मना लेंगे उसके बाद तो हम हमेशा से साल साल ये बात करते आएंगे, झंडे खासतौर पर बरसात का मौसम है उसको एहतियात से उतार के रखना है। आज भी ये बात समझानी पड़ रही है, 30 साल गुजरता है आज भी ये बात उसी बात को बार बार दोहरा रहे हैं। ये जरा फरमाइए कि इसके क्या हाँ किया जाए उसमें इसके। या सब ये देखें, सबसे पहली बात पौधा लगाना जो है यही तो काम नहीं है, पौधे को लगा के उसकी रिस्पांसिबिलिटी लेना भी काम है ना। बिल्कुल सही अब उसको पानी देंगे, अब डेली नहीं दूसरे दिन पानी दें, आके देखें चेक करें। अब मेरे घर में मैं इस दफा मैंने कोशिश की है, वो मैं गर्मी मैंने बर्दाश्त की है ना, तो मैंने घर में को पौधे छोटे छोटे लाके रखना शुरू किए हैं, मैंने वो जी, गमले लाके रखना शुरू किया, मैं कहा चलो कम से कम मैं घर की सतह तक जो है जितना कर सकता हूँ वो तो बहुत करूँ, अच्छी उसके बाद बात हम देखेंगे आगे। तो मैंने वाला साहब से मशवरा किया, मैंने कहा यार बाजी मेरा दिल कर रहा है कि मैं ना गाँव में दरख्त लगाऊं, तो कहाँ से है। लगाना शुरू करूँ। वाला साहब मेरे कहते हैं यार कब्रिस्तान से लगाना शुरू करो, तो वाह मैं कह चले भाई फिर मैं अब तो छुट्टियां मेरी खत्म हो गई, तो मैं नेक्स्ट आऊंगा, नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आऊंगा, मैं करूंगा। तो बिल्कुल फिर मैं कोशिश करता हूँ कि गांव के जो चार चीता चीता लोग उनको इकट्ठा करके ना, तो दरख्त तो मैं लगा दूंगा, जारी बात मेरे बाद किसी ने इनकी मेंटेनेंस भी करनी है, तो मैं किसी ना किसी बंदे के जिम्मे जितनी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उठाएगा वो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी दूंगा उनको, मैं दरख्त लगा के दे देता हूँ आपको, बिल्कुल सही, बाकी इनको संभालना आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल ठीक, तो जरूरी नहीं है कि जो बंदा दरख्त लगाए वही उसको संभाले, किसी और को भी जिम्मेदारी दे सकते हैं, और वो उस बंदे का फर्ज बनता है कि वो जिम्मेदारी अगर ले रहा है तो उसको आसान तरीके से उसको निभाए भी। तो बिल्कुल ये ठीक, हाथ में हाथ डाल के हमें चेन बनानी पड़ेगी, और उसके थ्रू ही ये जो इंकलाब है ना जिसको सब्ज इंकलाब आप कह रहे हैं वो आएगा। इंडिविजुअल लेवल पे तो मेरा नहीं ख्याल कोई बात होगी, लेकिन इंडिविजुअल अगर सारे इकट्ठे हो जाते हैं, जी, माइक्रो से मैक्रो बन जाते हैं, तो फिर हर एक चीज पॉसिबल है जो आप करना चाहें। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इसके लिए जिम्मेदारी हमें लेनी होगी। अब ये एक बहुत बड़ा मसला है कि यहाँ पर एक सेंस ऑफ ओनरशिप जो है वो प्रिवेल नहीं करती,
किसी भी शोबे में आप जाकर देख लें, ये तो आपने बात की, मैं ये अक्सर देखता हूँ कराची शहर के अंदर की, अभी साल डेढ़ साल के अंदर अगर कोई जगह गलती से अगर कोई सफाई हो भी जाती है, वो लोग अगले दिन से ही उसको कचरा करके उसको बराबर कर देते हैं, फिर वैसी कर देते हैं। ये सूरत हाल है, जब ये सेंस ऑफ ओनरशिप है ही नहीं। अब ये तो शहर में रहने वाले जो लोग हैं उनका ये हाल मैं आपको बता रहा हूँ, बाकियों के बारे में मैं क्या कहूँ, सेंस ऑफ ओनरशिप कहीं नहीं है। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? हाँ जी बिल्कुल बात ठीक है। वजह ये है कि जब हम प्राइमरी में होते थे, तीसरी चौथी पांचवी क्लास में, तो हमें ये पढ़ाया जाता कि सफाई निस्व अमान है। जी। वो हमने पढ़ तो लिया, लेकिन पढ़ाने वाले ने या उसके बाद को हालात ने हमें ये नहीं सिखाया कि भाई सफाई करोगे तो निस्व अमान होगा ना। बहुत अच्छी बात है, अब खाली पढ़ने से तो चीजें नहीं हो जाती। तो बिल्कुल हम ठीक है। बेसिकली पढ़ा तो हमने बहुत कुछ है, लेकिन हम शायद अमल करने से आ रही है। तो बिल्कुल आप देखें हर शहरी जो है, जब वो ये समझे कि ये पौधा जो गली में पड़ा हुआ है या कुछ छोटा सा दरख्त है, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और पब्लिक प्रॉपर्टी है, और जी पब्लिक प्रॉपर्टी को हमने नुकसान नहीं पहुंचाना। लेकिन हमसे हम सबसे ज्यादा क्या करते हैं, जब कभी वो जलसे जुलूस होते हैं, हम सबसे ज्यादा पब्लिक प्रॉपर्टी जो उसी को नुकसान पहुंचाते हैं। अब बिल्कुल पब्लिक ठीक कौन है? पब्लिक में आप भी शामिल है, उसमें मैं भी शामिल हूँ। मतलब ये हुआ कि ये जब इस तरह के दंगे फसाद होते हैं, तो उसमें हम अपना खुद नुकसान करते हैं और अपने हाथों से करते हैं। तो अब जब हमारे जहन में ये चीज आ जाए कि ये चीज हमारी है, हम ही पब्लिक हैं, तो अगर हम अपना हुस्न तबाह करें अपने हाथों से, कौन सी हम अकलमंदी कर रहे हैं? तो बेहतर ये के बजाय कि अपने हुस्न को तबाह करें, हम अपने हुस्न को सेव करें और उसको और चार चांद लगाएं, ताकि हम जितना खूबसूरत नजर आएंगे हमारे मुल्क की उतनी ही ज्यादा अच्छाई होगी। बिल्कुल तो ठीक है। बेसिकली तो हम ये तो बात करते हैं, ये पाकिस्तान ने हमें क्या दिया कि मैं यहाँ पैदा मेरी गलती हो गई, मैं यहाँ बड़ा मेरी गलती हो गई, मैं यहाँ एजुकेशन हासिल की मेरी मुझसे गलती हो गई, क्योंकि मुझे अब जॉब हाय नहीं है। सवाल यासर भाई ये है कि हम पाकिस्तान को क्या दे रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये बात हमेशा दोहराई जाती है, बारहा इस चीज़ की निशानदेही की जाती है, मगर ये सवाल अपनी जगह बरकरार है। डॉक्टर साहब ने भी इसकी निशानदेही की है और यही पैगाम भी है कि हम क्या दे रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, जो हमारी अपनी ज़िम्मेदारी है, क्या इखलाकी ज़िम्मेदारी है, समाजी ज़िम्मेदारी है। हम सबसे आरी हो चुके हैं, किसी भी जगह पर आप देख लें कोई शख्स ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, कहीं पे हमें ये चीज़ नज़र नहीं आती, कोई इसका अमली नमूना नहीं बन रहा कि हम अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें, इस शहर को, इस मुल्क को ओन करें, किसी भी कस्बे में चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, कोई ओनरशिप लेने के लिए तैयार नहीं है। हर शख्स बैठा सिर्फ ये दुहाइयाँ दे रहा है कि ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, हमारी अपनी क्या ज़िम्मेदारी है, इसके बारे में कोई बात करने के लिए, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। और अगर ये बात बताई जाती है तो कहा जाता है कि जी हम इतना तो हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इतने तो हम पैसे दे रहे हैं, तो हमें क्या ज़रूरत है। डॉक्टर साहब ये भी ज़रा फरमा दीजिए कि हमारा एक ये जो माइंडसेट बन चुका है कि हम तो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हैं इस शक्ल में कि हम पैसे दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, तो हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अब जो कुछ करना है हुकूमत नहीं करना, क्या ये सोचना सही है? क्या वाकईतन उनका ख्याल दुरुस्त है कि हम अपने ज़िम्मे का काम कर रहे हैं, हमने पैसे दे दिए बस, इससे ज़्यादा और हम कुछ नहीं कर सकते? जो आप तरक्की याफ्ता कौमों में जाते हैं, ममालिक में आप रहते हैं, वहाँ पढ़ाते भी हैं, वहाँ भी लोगों का सोचने का तरीका यही है कि हम टैक्स दे रहे हैं तो इसके अलावा हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये ज़रा बता दीजिए मुझे। नहीं जी, वहां पे तो लोग इस तरह सोचते हैं कि ठीक है हम टैक्स दे रहे हैं तो गवर्नमेंट जितना हमें डिलीवर कर रही है ठीक है, अगर कहीं गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर रही तो वो हम सेल्फ हेल्प के जरिए खुद कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। हम सपोज करें कि अब गवर्नमेंट ने हमें गलियां बना के दे दी, गवर्नमेंट ने गली के चारों दोनों तरफ जो है वो गमले लगा के दे दिए, पौधे लगा के दे दिए, तो अब गवर्नमेंट जो है प्राइम मिनिस्टर साहब डेली आके चेक नहीं करेंगे ना, बिल्कुल सही। तो उससे उसका हम क्या कहते हैं, उनका काम इतना ही था। हमें उन्होंने गली बना दी, गली में पौधे लगा दिए, उन्होंने फूलों के गमले लगा दिए, बाकी अब उन गमलों की उन पौधों की गली की हिफाजत हमने खुद करनी है। बिल्कुल हमारा ठीक है। मसला भी ये है कि हम सारी चीजें गवर्नमेंट को डालें, इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं कि जो टैक्स की रकम है वो प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो रही फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क में ये पाकिस्तान जो है दुनिया का नंबर वन कंट्री है जो खैरात में सबसे आगे है। जी तो आप खैरात देते हैं, आप बाहर खैरात लोगों को देते हैं, चंदे जाते हैं, सारा कुछ होता है, तो उससे बेहतर नहीं है कि आप वही पैसे इकट्ठे करके अपने गली मोहल्लों की सफाई में लगा लें? बिल्कुल सही है, देख खैरात भी तो आप नेकी के लिए कर रहे हैं ना, ऐसा ही है, कि आपने अल्लाह बिल्कुल ताला जो सही है कहा, वो बड़ा हमें अच्छा इसका अजर ख्याल है। दे। हाँ तो वो उसी चीज को अब वही चंदा ये सारे पैसे इकट्ठे करे, गली मोहल्ले वाले अपना खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मसला ये कि उसमें टाइम लगता है सर, और दूसरी बात ये कि उसमें हुज्जत बहुत ज्यादा है। तो हम बड़े आराम पसंद हो चुके हैं जो मैं समझता हूँ। बिल्कुल तो ऐसा ही हम है। कहते हैं ठीक है हम टैक्स दे दिया, बट ठीक है बाकी अब गवर्नमेंट जाने, गवर्नमेंट का काम जाने, हमें हाथ लाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, ये आपने सही कहा कि ये हमारा वतीरा बन चुका है। अक्सर मैंने ये देखा है, बल्कि हर जगह ये नज़र आता है, हम शहर कराची में हमारे तो ख़ास तौर पे लोग लाखों रुपए खैरात और सदक़ात की मद में निकाल रहे हैं, मगर आप सफाई के लिए किसी से थोड़े से पैसे मांग लें कि इस जगह की सफाई करवानी है, आप कॉन्ट्रीब्यूट करें, आप यकीन करें एक पैसा मजा ले कोई शख्स निकाल दे,
कोई तैयार नहीं है, कोई ओनरशिप लेने के लिए तैयार ही नहीं है कि ये तो हमारी जिम्मेदारी सिरे से है ही नहीं कि हम इसमें अपना हिस्सा डालें या कंट्रीब्यूट करें। ये हमारा माइंडसेट बन चुका है और हर जगह हमें सूरत हाल यही नज़र आ रही है। कराची से लेके आप चले जाएँ, खैबर कश्मीर तक, जहाँ भी जितने इलाके हैं, जिस तरफ आप चले जाएँ, यही लोगों का हमें हाल नज़र आ रहा है। कोई कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार नहीं है बहुत सारे कामों पर। मैं देखता हूँ डॉक्टर साहब, आपने तो ज़्यादा हमसे देखा है कि शादियों के ऊपर, बड़ी बड़ी तकरीबात के ऊपर करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, लेकिन उससे कोई डेवलपमेंट हो जाए, कोई छोटा मोटा काम कर लें इलाके की सफाई के हवाले से, ये वो, उससे आधी से भी आधी कीमत में सारा काम हो जाएगा, लेकिन कोई पैसा खर्च करने के लिए तैयार ही नहीं है कि जी वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो हमारी जिम्मेदारी फिर क्या रह जाती है, ये तो ज़रा बताएं ना। हमारी जिम्मेदारी सर ये रह जाती है, मैं आपको बताता हूँ कि मैं यहाँ झारावाला में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल है, तो यहाँ अपने बेटे के नाम का मैं ब्लॉक बनवा रहा हूँ 4 कमरों का। हाँ जी जी चलो वो जी भी फिनिशिंग प्रोसेस में है, बस उसके अब कह लें कि फर्श की बात काम शाम हो रहा है, कुछ सीलिंग वगैरह का काम हो रहा है। जी बजाय इसके कोई बंदा मुझे ये आके कहे कि यार शहबाज तो एक अच्छा काम कर रहा है, तो चल यार इतना मेरी तरफ से भी कंट्रीब्यूशन ले ले, बिल्कुल ठीक ठीक है जी। बच्चियां सारी बस सारों को सांझी हैं, पूरे गांव की बच्चियां जो कि स्कूल में पढ़ेंगी, तो जी चलो तेरे अकेले को बर्डन ना पड़े, तो चलो मैं पंखे लगवा देता हूँ तुम्हें, या जी चलो यार मैं सीलिंग का काम तुझे मैं करवा देता हूँ, चल यार ये दरवाजे खिड़कियां जो मैं लगवा देता हूँ। उल्टा मुझे पता क्या कहा जाता है कि ये अल्लाह ने तुम्हें तौफीक दी हुई है, अल्लाह का बड़ा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ने मुझे तौफीक दी हुई। तो मैं कहता हूँ चाचा या चाची ये आप भी अल्लाह से थोड़ी तौफीक ले लें, क्या अच्छी वो बात है, थोड़ा सा जेब से निकालेंगे तो तौफीक मिलेगी ना आपको। बिल्कुल ऐसा ही है, तो बिल्कुल हमारे ऐसा यहाँ जो बंदा आगे लगा होता है, मैं कहता हूँ ठीक है आगे लगा, बर्डन सारा इसके ऊपर डाल दो, बिल्कुल ठीक है ऐसा जी। ही। तो बाकी ये इस तरह के जुमले बोल के अल्लाह ने तुम्हें तौफीक दी हुई है, कि अल्लाह अल्लाह ने तो कहा है जो मेरा दिया हुआ है उसी में से तुमने देना है, कोई अपने पल्ले से नहीं तुमने देना कोई। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, तो मैं बिल्कुल भी ऐसा अक्सर ये बात करूँ, मेरा कोई कमाल नहीं है, बिल्कुल जो ठीक मेरे है। रब ने मेरे ऊपर नवाजशात की हुई है, जो मेरे रब ने मुझे दिया है, तो मैं रब के दिए हुए में से रब को वापस कर रहा हूँ, और वो बिल्कुल कल ठीक, को रब ने मल्टीप्लाई करके मुझे फिर वापस कर देना है, क्योंकि मैं बिल्कुल अल्लाह ऐसा से ही। कारोबार कर रहा हूँ ना। तो जिस दिन हमारे अंदर ये सेंस आ जाए, कोई नेकी चाहे गली की सफाई हो, गली के अंदर कोई पौधा हो, गली के अंदर कोई फूल का गमला हो, या गली के पौधे को पानी देना, या आप ये नेकी जी कर रहे हैं, इसका मतलब आप जी अल्लाह ताला के साथ कारोबार कर रहे हैं। और मेरा तो यह सब पूरा यकीन है इस बात के ऊपर जी कि आप अल्लाह के साथ कारोबार करेंगे तो अल्लाह ताला की वाह, जात आपका जो प्रॉफिट है ना वो हर स्रोत आपको वापस करेंगे। बेशक ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है डॉक्टर साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल आपने सही निशानदेही की है कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कुरान करीम में, इसकी निशानदेही ही कर रहा है, लेकिन हम इसको समझने के लिए तैयार नहीं है। और फिर दुआइयाँ देते हर शख्स को, हम देख रहे हैं कि ये ऐसा है हमारे साथ, वैसा है हमारी हालत इज़हार, अपनी हालत इज़हार को खुद ही हमने बेहतर बनाना है। और इसको, ये जो डॉक्टर साहब आप सारी बातें कर रहे हैं ना, मेरे लिए तो ये सबसे आम मौजू है। मैं इस वक्त बजाय इसके कि सियासियात पे बात करूँ, तनाज़ात पे बात करूँ, कानून साजी क्या हो रही है, ये मेरा मसला नहीं है। मेरा मसला ये है कि मेरा गली, शहर, मोहल्ला साफ़ क्यों नहीं है, इसकी क्या सारी जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है। और जब मैं लोगों के रवैये देखता हूँ, लोगों को देखता हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा सोचने पर मजबूर होता हूँ कि आप यकीन करें दुनिया की कोई हुकूमत यहाँ पर ला के खड़ी कर दें, जब तक लोगों के अंदर ये शऊर नहीं आएगा, कोई भी चीज़ काम नहीं कर सकती। तो बहरहाल इसके ऊपर इससे ज़्यादा क्या कहा जा सकता है। डॉक्टर साहब, वक्त मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हो गया आज़ादी के हवाले से, वैसे तो आपकी सारी गुफ्तगू ही एक मैसेज होती है, मगर मैं चाहूँगा एक ये रस्म भी पूरी कर दें 14 अगस्त के हवाले से, कोई ऐसा मैसेज भी दे दें आखिर में जाते जाते, कि नौजवानों के लिए इस वक्त आप समझते हो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, फरमाइएगा। जी मैं नौजवानों से ये बात करूंगा, गो कि मैं भी नौजवान जी हूँ, जी बिल्कुल कि अच्छा। हमें अपनी मंजिल के लिए रास्ते सबसे पहले अपनी जो मंजिल है उसका तय करें, और फिर उस मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ते में खुद तलाश करना पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है। आप मत रिलाई करें किसी भी सियासी जमात के ऊपर, आप मत रिलाई करें किसी भी पोलिटिकल लीडर के ऊपर, क्योंकि लीडर तो पाकिस्तान में है ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो आप ये समझें मैं ही सियासी जमात हूँ, मैं ही लीडर हूँ, और मैं ही वर्कर हूँ, और मैं ही वो बंदा हूं जिसने अपनी मंजिल तक पहुंचना है। तो यकीन कीजिएगा जिस दिन आप ये इरादा कर लेंगे कि जी अपनी मंजिल को पहुंचने के लिए रास्ते मैंने खुद तलाश करने हैं, तो अल्लाह ताला की जात यकीन कीजिएगा पूरी मखलूक को आपकी हेल्प के लिए लगा देंगे, बहुत डायरेक्टली खूब, भी और इनडायरेक्टली भी, और बेशक, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए सारे रास्ते मिल जाएंगे। बहुत बहुत खूब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर मोहम्मद शहबाज़ हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे, बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे, और हमेशा ही जब डॉक्टर साहब से बात होती है तो बहुत कुछ समझने का मौका मिलता है, बहुत सारे मामलों पर गुफ्तगू करते हैं, मईशत के हवाले से, मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से। डॉक्टर साहब का मौजू भी यही है, मईशत भी है, मौसमियाती तब्दीलियाँ भी हैं, मगर इस वक्त क्या किया जाए। ये जो बड़ी ऐसी बातें हैं जो मेरे ख्याल में दुनिया में आज शायद कोई कर रहा हो, कि हमें सफाई का ख्याल रखना है, अपने इलाके को साफ रखना है, ये सारी चीज़ें आज भी हमें ये बतानी पड़ती हैं। तो बहरहाल ये मामला ऐसे हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू जारी रहेगी, एक ब्रेक यहाँ पर लेनी होगी, ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।